This conference परम will प्रेम now be प्रिय recorded. विश्व जननी श्री श्री बड़ोमा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादांक रातुल चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम कोरुवा सत्संग विहार आनुकूल्य रे आयोजित ऑनलाइन सत्संग पूर्व भाग रे थिबा श्री श्री ठाकुर कर सह प्रतिरित्ति ठाकुर को प्रति अकृत्रिम श्रद्धा भल पाइबा रखी तांकर प्रीति कर्म रे नियोजित श्रद्धा पवित्र ऑनलाइन सत्संग रे समवेत श्री श्री ठाकुर कर पवित्र पांजा प्राप्त कर्मी वृंद श्रद्धा गुरु भ्राता मंडली भक्तिमती मातृ मंडली सुधी सज्जन वृंद समस्त उद्देश्य रे मोर विनम्र राय एवं जय गुरु ज्ञापन करुछि अत्यंत मनोज्ञ भावोद्दीपक परिवेश सृष्टि हेइछि पवित्र शशि भाई जो माने इस सत्संगर बैकग्राउंड रचन्ति से मानंकर उपस्थित समस्तंकर सुस्थ सुदीर्घ इष्टिकृत निरामय जीवन कामना करुछि पवित्रंक माध्यम अवगत हेलि दुईट इष्ट प्राण परिवार आज सत्संग आयोजन पाई तांकर भक्ति निश्रुत अर्घ्य दान करिछन्ति सेमानंक संतान मानंकर जन्मदिन रे आज सत्संग आयोजन करिछन्ति प्रिय परमंकर भजन कीर्तन गौतम भाईंकर आलोचना खूब मर्मस्पर्शी हेछि श्री श्री ठाकुर विशेष गुरुत्व दैछन्ति जहाँ गौतम भाई तापरे पवित्र संक्षेप रे उपस्थापित कले ई सुप्रजनन उपरे श्री श्री ठाकुर चाहिछन्ति दंपति देवदंपति हेबे साधन भजन करिवे नाम ध्यान करिवे तपस्या करिवे इष्टिपुत जीवन जापन करिवे तपस्या भितरु प्रार्थना भितरु नाममयता भितरु ध्यानशीलता भितरु देव संतान मानंकु आवाहन करिवे श्री श्री ठाकुर विशेष गुरुत्व दैछन्ति जहा गौतम भाई कहुतिले आमर ई सुविवाह उपरे आउ सुप्रजनन उपरे ए गुड चाइल्ड इज ब्रेड नॉट मेड गुटी उत्तम संतान को जन्म दिया जाए श्री ठाकुर कहते जो संतान जन्म नहीं सारी अति बेसी रे आमे ता भीतर थिबा सेई संभावना गुड़ी कर विकास करि परिबा शिक्षा माध्यम रे किंतु से जेभली वैशिष्ट्य संभावना नहीं कि आसी ताहि तार भविष्य जीवन को निर्धारित करिवो द फेट ऑफ द चाइल्ड इज इरिट्राइवेबली डिसाइडेड बिफोर दि चाइल्ड इज बॉर्न गोटे शिशु जन्म नवा पूर्व तार भाग्यटा बहुमात्रा रे निर्धारित होता है तेणु जो दुटी परिवार आज इसमान को संतान मान जन्म दिवन दिन सत्संग प्रदान करिछंती सेमाने इष्ट प्राण प्रिय पुनोति भक्ति श्रद्धा अछि ठाकुर चाहिछंती जे देव दंपति माने सब देव संतान मान को जन्म देवे श्री श्री ठाकुर दिव्य लीलार स्मृति टीए मन को आसुची अगणित भक्त परिवेष्टित होई मध्य मणि रूपे दयाल शोभा पाउछंती जनैक भक्त प्रश्न कले ठाकुर ये भगवान श्री कृष्ण कहते जन्म कर्म चमे दिव्यमेव जो व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन जे मोर जन्म कर्म को दिव्य बोली तत्वतः जाने से आउ जन्म मृत्यु रो बंधन रे आबद्ध हुए ना से निरासक्त हुए निर्लिप्त हुए निर्द्वंद हुए से इष्ट को धरी इष्ट प्रीति कर्म रे इष्ट चिंता रे तार जीवन को नियोजित करे ए जन्म कर्म चमे दिव्यमेव माने कौन श्री ठाकुर कहछन दिव्य माने दीप्त विकसित प्रज्वल जन्म कर्म चमे दिव्यमेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण एक कथा कहिया को चाहछन्ती जे मोर पिता मातांकर शारीरिक मानसिक संगति एभली थिला सेमानंकर जैविक संस्कृति एभली थिला सेमाने एभली भावरे ईश्वरंक प्रति प्रेमरे उन्मत्त थिले प्रमत्त थिले जे मु एभली संस्कार नै जन्म नैछि जे मो पक्षरे आउ भलो परिवेशर भलो करिबा छडा मंद करिबा मो द्वारा आउ संभव नुहे जन्म कर्म चमे दिव्यमेव माने मोर जैविक संस्थिति एभली मोर पिता मातांक माध्यमरे मु एभली एक मानसिक स्थिति पाइछि जे निजर एवं परिवेशर सत्तार अनुकूल रे सबु किछि कर्म करिबा छडा प्रतिकूल रे किछि कर्म करिबा आउ मो पक्षरे संभव नुहे सेति पाई जन्म कर्म चमे दिव्यमेव अर्थात पिता मातांकर भूमिका केते श्री श्री ठाकुर ताहा आंब समस्तंकु सेइ विषय रे एक श्लोकटीर व्याख्या माध्यम रे अवगत कराउछन्ती जन्म कर्म चमे दिव्यमेव माने ठाकुर कहले अनेक पिता माता
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଂଯମ ନାହିଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଭଳି ମିଳନ ଭିତରୁ ଯାହା ଆସିବାର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ନର ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ଏକ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି, ସାଧନ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଇଯାଏ, ଭକ୍ତି ସିକ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଖୋଜେ, ତା ଆଖିର ଚାହାଣି, ତାର କଥା, ତାର ଚଳନ, ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସବୁ ମଣିଷକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରେ। ସେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଜେ ରୂପ ତାର ମନ ଗୁଣେ ବୋର, ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ଲାଗି କାନ୍ଦେ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ମୋର। ଏଇଭଳି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଯେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଭାବ, ଆତ୍ମନିବେଦନର ଭାବ, ସେ ପୁରୁଷକୁ ଉଦୀପ୍ତ କରେ, ସେ ପୁରୁଷକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ, ସେ ପୁରୁଷକୁ ସନ୍ଦୀପ୍ତ କରେ, ଏବଂ ପୁରୁଷର ସବୁ ଶୁଭ ସମ୍ଭାବନା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ପରିଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଯୌନ ବିପାକ ଜେଇ ଏଲୋରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଛେ ଲାଖ ସମ୍ପଦ ଥାକ ନା କେନ ଆପସ୍ୟ ଥାଇ ଯାବେ। ତେଣୁ ଯୌନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ, ଏଇ ଯୌନ ଜୀବନରେ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯଦି ଦମ୍ପତି ମାନେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମ୍ପଦ ଥାଉ ପଛେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସର ପଥରେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପଥରେ, ବିଡମ୍ବନାର ପଥରେ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସଦ୍ଦୀକ୍ଷା ଉପରେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରିପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଠାକୁର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଜସ୍ର ବାଣୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକୁଣ୍ଠରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ମଣିଷର ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ବହୁ ଅମୋଘ ବାଣୀ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶର ନିର୍ଯାସ ହେଉଛି ଦୁଇଟି କଥା, ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏକ ଅଦିତ୍ୟ ଯେ, ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ, ଏକମାତ୍ର ଯିନି ଯିନି ସର୍ବମୟ, ଯାହା ବିନା କୋନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନୟ। ସେ ଏକ ଅଦିତ୍ୟ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସଦ୍ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୁରୁଷ ନାରୀ ବିବାହର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସଦ୍ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସାଧନ ଭଜନ କରିବେ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ, ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନର ଦିଗରେ ଚାଲିବେ, ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ବିହୀନ ପୁରୁଷ ମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚର୍ଜି ହଇ ହଇ, ସତ୍ତା ଚର୍ଯ୍ୟା ଶିଷ୍ଟ ତଳେ ହଇ ନା କବୁ ନଷ୍ଟ ପାଏ। ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତଥାକଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଥାଇପାରେ, ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଥାଇପାରେ, ଧନ ଥାଇପାରେ, ତଥା କଥିତ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତି ଜୀବନରେ ଥାଇପାରେ, ଯାହାର ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ ଆଉ ସତ୍ତାର ଚର୍ଯ୍ୟା ହୁଏ ନା, ସତ୍ତା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ, ବିଡମ୍ବିତ ହୁଏ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହଟା ବୈଧି ବିବାହ ହବ, ଯାହା ଗୌତମ ଭାଇ ପବିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ବିବାହଟା ବୈଧି ବିବାହ ହବ। ପୁରୁଷ ନାରୀ ବିବାହ ବହୁ ଆଗରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, କୁଳରେ, ଶୀଳରେ, ଚରିତ୍ରରେ, ବିଦ୍ୟାରେ, ଶିକ୍ଷାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ଅର୍ଜନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ସଂସ୍କାର କର, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ବିବାହ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନ କର, ତାହେଲେ ଶୈରୀ ବ୍ୟଭିଚାର ତାର ପୈଶାଚିକ ଆକ୍ରମଣରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେବ। ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଠାକୁର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ ସନ୍ତାନ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଭଳି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି। ଯାଇ କର ଆର ତାଇ କର ନା, ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ଆଦତ କଥା, କୁସଂସ୍କାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜୀବନଟାକେ କରଇ ବୃଥା, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଭଲ ଇଆଣେ, ମନ୍ଦ ଇଆଣେ ମନ୍ଦଟାଏ, ତାଇ ବୁଝେ ନେଇ ଯେ ଶିଷ୍ଟ ହଉ ଥାକି ତେମନି ଉର୍ଜନାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଭଲ ଇଆଣେ, ମନ୍ଦ ଇଆଣେ ମନ୍ଦଟାଏ। ତେଣୁ ଦମ୍ପତି ଶିଷ୍ଟ ହେଲେ, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ, ଅନୁଶାସିତ ହେଲେ, ତପସ୍ୟାର ଭିତରେ ଦେଇ ସବୁ ସୁସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସିବେ। ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ପରିବାରରେ ଶିଶି ବଡ଼ଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା, ପୂଜ୍ୟ ବାବାଇଦା, ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା, ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେମାନେ ସେଇଭଳି ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବିବାହ ଉପରେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଜନନ ଉପରେ।
ठाकुर कहते मोर 40 जन दरकार 40 जन निराशी निर्मम हई जो मैंने इष्ट काम करेंगे प्रचंड व्यक्तित्व अधिकारी थे तथा कथित कौन निम्न आकर्षण कारी मायरे प्रलुब्ध हे ना एवं यही 40 जन हेले सारा पृथ्वी टाकू ओलट पलट करदे समते उद्वर्धन दिगरे दिवे जरा व्याधि मृत्यु दुख ज्वाला जंत्रणा सब दूर को पलैब यही 40 जन ठाकुर चाहते एवं आसबे यही सब देवदंपति मान तपस्या भितर दे ठाकुर से आशा कर ठाकुर कहले मोर आशा एभली सब संतान माने जन्म ने जो माने परिवार परिवेश आशार भरसार आनंदर एक एक उच्च हे एक एक अनिर्वाण शिखा हे शिवाजी को इंडियन नेपोलियन बोली कह जाए शिवाजी मां प्रति प्रचंड भक्ति शिवाजी खूब दुर्धस थे खूब दुर्दांत थे स्कूल ड्रॉप आउट थे किंतु ए मां प्रति भक्ति एवं शेषे गुरु रामदास प्रति श्रद्धा एत बड़ कला इंडियन नेपोलियन बोली कह जाए ये बाप मां प्रति प्रति भक्ति गुरु प्रति श्रद्धा शिवाजी मोरटा साम्राज्य गढ़ले प्रचंड प्रतापी औरंगजेब भय कला बहु चक्रांत कला हत्या करने कि सब चक्रांत व्यर्थ हो गला इष्ट गुरु पिता माताय वृति काबू अतुट टान थाकतो जदि देखते पेतीस उन्नति तार हई कि मान जे इष्ट गुरु को भल पाए बाप मा को भल पाए आउ ठाकुर से सुनियंत्रित हुए से उन्नतिर पथरे चले ता जीवन रे दुख आसे बाधा जंत्रणा आसे से सब को उत्तीर्ण करी जाए एवं ठाकुर चाहिचंती बहु एही संतान माने जन्म ने दिन गभीर दुख रे कहते आउ जने कहीं रवींद्रनाथ तो सृष्टि होना चाणक्य भली शिवाजी भली बहु संतान संत सब दरकार जो मानकर चाणक्य को ठाकुर बहुत प्रशंसा कर चाणक्य जीवन रे सेबे कृष्टि रु केबे विच्युत हो ना एवं आम जीवन रे दरकार से इष्ट प्रति अच्युत निष्ठा तांको प्रति अच्युत आनुगत्य एवं ये आनुगत्य टा ही ये निष्ठा ही मनीष जीवन टाकू रुद्धिमंत करे ठाकुर कहले इष्ट विहीन जीवन प्रेतर जीवन अपेक्षा आउरी भयंकर प्रेतर जीवन टा स्टैग्नेंट सेठी आउ उत्तरण नाही किंबा अधगमन नाही किंतु जहार जीवन रे इष्ट नाही तार जीवन रे केवल अधोगति से तार अनियंत्रित प्रवृत्ति को नहीं तथा कत प्राप्ति थाई पारे से तार सपरिवार सबन से मरण पथर यात्री हुए तेणु श्री ठाकुर कहते जीवन रे एकांत आवश्यकता इष्ट आउ तांक प्रति अच्युत अनुगत्य एवं श्री शिवड़मा परमा प्रकृति प्रिय परमंक लीला संगिनी तांकर एई जन्म मास रे मातृ सम्मेलन सब चली आउ श्री ठाकुर गुरु तो आज जिते बड़े ए जन्म विषय आम समस्त आलोचना करुचे सुप्रजनन उपरे मां मानकर दायित्व तो बहुत बेसी अगर ए प्रजनन व्यापार रे पुरुष होची पैसिव आउ नारी होची एक्टिव पुरुष भितरे बहुत संभावना थाई पारे वैशिष्ट थाई पारे तार तपस्या लब्ध शक्ति बहुत थाई पारे एक्विजिशन बहुत थाई पारे किंतु नारी ताकु जेभळि उद्दीप्त करिवो संजीवित करिवो अनुप्राणित करिवो संदीपित करिवो ता सबु संतान भीतर देखि आसी तनु नारी होउछि एक्टिव पुरुष होउछि पैसिव तनु ठाकुर सेति पई ए बडमांक विषय रे कहउछन्ति जदि बडमा सबुबेले अभिजोग अनुजोग करि थान्ते जदि पदे पदे बाधा सृष्टि करी थांते मो जीवन और चलापथ कण अबाधित होई थांता मो जीवन और चलापथ कण अबाध होई थांता एवं तार माध्यम रे ठाकुर कहिबाकु चाहूचंती जे प्रत्येक परिवार रे ए नारी मानंकर दायित्व होची बहुत बेसी से माने स्वामी सासु ससुर परिवार परिजन को सब उद्वर्धन दिगरे नियंती शास्त्र कहउचंती अनुकूला नवाग दुष्टा दक्षा साध्वी प्रियंबदा आत्मगुप्ता पति भक्ता सा देवता ना मानुषी जो नारी समस्त अनुकूल थाए ईश्वर प्रति भक्ति श्रद्धा भरपूर थाए से समस्त अनुकूल थाए न बाग दुष्टा ता कथारु मधु झरे तार कथारे सम उदीप्त करे अनुप्राणित करे से बकबक हुए ना से मितभाषी हुए स्वल्पभाषिणी हुए किंतु तार कथा मनीष मन रे आशा प्रेरणा सृष्टि करे दक्षा साध्वी प्रियंबदा ते सब कार्य दक्षतार संपादन करे से साध्वी आउ से प्रियंबदा से आत्मगुप्ता से रिजर्व अजथा बकबक हुए ना से पतिभक्ता यही भली नारी जैसे देवता से मानुषी नुहे रवि ठाकुर कहते स्नेह ममता आदर जत्न प्राण उठाला भलोबासा
সান্ত্বনা দিতে দুঃখ ভুলাতে মুখে যার মধুবাসা কর্মই যার শুধু সেবা করা প্রতিদান নাই যাচে সেনারি নয়ক মানুষই শুধুই বিশ্ব জননী সেজে এই সব গুণ যার অছি সে মানুষই নুহে সে বিশ্ব জননী ঠাকুর ঘরে ঘরে মার এই মূর্তি দেখিবাকু চাহিছন্তি ঘরে ঘরে মা মানে এই বলি সমীর পাই উৎসাহ প্রেরণার এক একটা দুর্গ হবে যে বলি শিশি বর্মা পরম পুরুষঙ্ক জীবনের থিলে তুমি তোমার স্বামীঙ্ক পছরে ইষ্ট নিষ্ঠা প্রেরণা কর্ম প্রণতা অভিবাক্য নেই ছেড়া হব অবসন্নতা তুম কাহাকু হুমকি দেখেই পারিব না এবং এই বলি দাম্পত্য জীবন দরকার পুরুষ নারীঙ্ক ভিতরে এই বলি ইষ্টানুগ শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি দরকার ম্যান মাস্ট রান আফটার দ্য আইডিয়াল টু ইনথ্রোন হিম উইথ এ ক্রাউন অফ গ্লোরি অ্যান্ড ও ম্যান আফটার ম্যান পুরুষ আদর্শ নিষ্ঠ হব ইষ্ট প্রাণ হব যদি পুরুষ জীবনরে ইষ্ট নাহান্তি ঠাকুর কহিলে হি ডিসকোয়ালিফাইজ টু ম্যারি সুপ্রজনন কথা চিন্তা করুছে ঠাকুরঙ্ক অ্যাডস্টিকরে মাপিলে শতকড়া অনেশত ভাগ সাম্প্রতিক দুনিয়ারে বাস করুথিবা লোক বিবাহর উপযুক্ত নুহন্তি জনে কেলা ঠাকুর আপন বহু বিবাহ কথা কৌছন্তি এ মাধ্যমে তো অসঞ্জম সমাজরে পরিব্যাপ্ত হই জীব বহু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হব ঠাকুর কলে মো যোগ্য পুরুষ বহু বিবাহ কু সমর্থন করে অযোগ্যর একটি বিবাহ কু প্রার্থনা সমর্থন করে না কলে এই প্রফুল্ল যদি মোর আদেশে 100টা বি বিবাহ করে মোর প্রতি নিষ্ঠা দৃঢ় থাকে তাহলে কিছু তাকে বিচ্যুত করে পারিব না বরং 100টা নারী তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে উদ্বুদ্ধ হবে এবং অনেক সুসন্তান আসবে আউ ইষ্টঙ্কু গ্রহণ ন করি অবিবাহিত জীবন যাপন কলে বহু নট রই যায় বহু অবসেশন রই যায় বহু গ্রন্থি বহু অভিভূতি বহু অসামঞ্জস্য মন ভিতরে বহু অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির তাণ্ডব নৃত্য সে মনিষকু গোটায় কিম্ভূত কিম্বাকার ব্যক্তিত্বের পরিণত করে সে গোটায় স্প্লিট পার্সোনালিটি হুয়ে ডিস্টর্টেড ব্যক্তিত্ব হুয়ে তার ব্যক্তিত্ব বলি কিছুই ন থায় ঠাকুর কৌছন্তি যে কে বিবাহর উপযুক্ত কলে যে ইষ্টঙ্কু ধরিছি তপস্যা করুছি যার চরিত্রর ঝলকে ঝলকে ইষ্ট প্রাণ তার দীপ্তি সঞ্চারিত হচ্ছি যার নারীর প্রতি সামান্য দুর্বলতা নাই নারী যাহাকু গ্রহণ করি কৃতার্থ হুয়ে সার্থকে উদীপ্ত হুয়ে এইভাবে যোগ্য পুরুষ যে সে বহু বিবাহ কলে মধ্যে সে কামিনী দ্বারা প্রলুব্ধ হব নাই তার চরিত্রের ব্যক্তিত্ব হই নারী তাঠে প্রার্থনা করিবে বহু সন্তান মানে আসিবে ঠাকুর কলে আমার কনস্টিটিউশন রে এই যে বহু বিবাহর স্বীকৃতি নাই ইন্দু মানক পেই তাহা এই যে মানে কনস্টিটিউশন র প্রেমার কনস্টিটিউশন র মেকার তা সেমানক অজ্ঞতা ঠাকুর যোগ্য পুরুষ বহু বিবাহ কু সমর্থন করিছন্তি কারণ সমাজ পেই অনেক সুসন্তান দরকার এবং শ্রী ঠাকুর শ্রী বড়দা শ্রী দাদা এমানে সমস্ত আম পেই এক এক দৃষ্টান্ত কিভাবে সুসন্তান কু আনিবাকু হুয়ে এবং আমি যে মানে প্রিয় পরমঙ্কু ধরিছে এ বিষয়ে খুব সচেতন হবা খুব সজাগ হবা আউ যাহা কৌথিলি এই যে মা মানক দায়িত্ব হচ্ছে বহুত বেশি সেমানে ঘরে ঘরে দুর্মতি নাশিনী দুর্গতি দলিনী দশ প্রেরণ ধারিণী দুর্গা ঋষি ঠাকুর কৌছন্তি এই মা মানকর সতীত্ব সেই মানক নিষ্ঠা সেই মানক সমীভক্তি সুসন্তান আনিবার পথটিকু প্রশস্ত করে এবং সবুরি ঊর্ধ্বরে দরকার সেই প্রিয় পরম যে ইষ্ট যে তাঙ্ক প্রতি অচ্যুত আনুগত্য সচিন গাঙ্গুলি একনিষ্ঠ ভক্ত ঠাকুর করিলে আউ তাঙ্কর জীবনরে এক দারুণ দুঃখ আসিলা তাঙ্ক পুত্র অমর সে ইলেকট্রিসিয়ান থিলে ইলেকট্রিক শক খাইকরি অকালরে তাঙ্কর নিধন হইযাইছি অকালরে বিয়োগ হইযাইছি পুত্র শোকরে জর্জরিত বিধুর পিতৃ হৃদয় ঋষি ঠাকুর নিকটে কান্দি কান্দি তাঙ্ক পুয়ের কথা কৌছন্তি কইলে ঠাকুর এমতি হেলা কাহিকি আউ অমর গাঙ্গুলি তাঙ্ক না ঠাকুর মধুচ্ছরা দৃষ্টিরে মমতা ভরা দৃষ্টিরে সচিন ভাইকে চাহিলে কহিলে সে মতে ঠিক ভাবে ভালো পাও নথিলে না ঠাকুর ভালো তো পাওতিলা ইষ্টভূতি করে প্রার্থনা বিত করে না সে যে ইলেকট্রিক করেন্ট খাইলা আউ সেতবেল সে জুতা পিন্থিলা কি না নাই নাই সেদিন জোতা ঠাকুর কহিলে সেমতি অসাবধান হেলা কাহিঁকি যে প্রিয় পরমঙ্কু ধরে তাঙ্কু ভালো পায় এ ভালো পাইবাটা হুয়ে সে
प्रणिधानी स्वभाव तार जाग्रत हुए तार अंतर्दृष्टि खोली जाए से केबे असावधान हुए ना कहे जदि मो प्रति निष्ठाटा प्रॉफिटेबल नहला से निष्ठा ही व्यत्यय अछि से निष्ठा रे व्यतिक्रम अछि यदि सिंसियरिटीटा प्रॉफिटेबल नहला से सिंसियरिटीटा लाभ कोन मु त भाबुची तोर पोट सिदिन जोताटा को पिंदी रखिला काहे कि ताले इलेक्ट्रिक शॉक रा प्रभावटा एते हुए त होई नथांता हां ठाकुर सेंती मझिरे मझिरे दिने दिने एंती जोता पिंदे नाही ठाकुर कहले देख प्रति अच्युत अस्खलित आनुगत्य सब कष्ट सहिबा को प्रस्तुत एकमात्र तार जीवन सुरक्षित नियमित नियमित अनवरत नाममयता दरकार ध्यानशीलता दरकार ध्यानशीलता माने सबु कथा कर्म चिंता को इष्टमुखी करि तोलिबा ए ध्यानमुखिता रहिले मनिसरा ब्लंडरिंग मोग हुए नाही ध्यान माने केवल आखि बुझी ध्यान करिबा नहे साइकोफिजिकल मोल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अपीयर्स टू फुलफिल द विशेस ऑफ द प्रिंसिपल बाक आर काय मने ठाकुर कोचंती वाक्य काय मनरे जे निरंतर इष्टंग इच्छा को परिपूर्ण करिबा को चालीची से हौची प्रकृतरे ध्यानी एवं ठाकुर कले देख तांकर निर्देशटा को कंटाय कंटाय परिपालन करिया कोई कले मु चाहे तुमर कहारी जणकर अकाल मृत्यु न हौ कले आर्य ऋषि प्रार्थना करूतिला जीवे म शरद असतम पश्ये म शरद असतम सुणियाम शरद असतम मु 100टा शरद ऋतु देखिबी 100टा शरद को उपभोग करिबी मोर समस्त इंद्रिय सजाग थाउ तीक्ष्ण थाउ मु जीवन को आकंठ उपभोग करिबी ठाकुर ताई चाहिछंती कले तुमे जीवन टाकु ट्रेमेंडसली उपभोग न कल तुम भीतर कंसोलिडेशन न आसला मोर सब चेष्टा व्यर्थ हो गला एवं सेति पई दरकार तांक प्रति अस्खलित अनुगत्य से जहा कहती ताकु निष्ठा रे करबाकु पड़े कले तोर पुत्र अमर मरी गला मो मन रे भारी दुख मु चाहे आउ जणे भी केही अमर गांगुली एई बोली अकाल मृत्यु रो शिकार न हो कले से दिन राम राज्य रे गोटाए अकाल मृत्यु हेतिला बेली प्रभु को कैफियत देवाक पड़ा मुझे जानी के गोटाए अकाल मृत्यु न हम तुम ये नाम टाक घरे घरे सद दीक्षार प्रचार कर बर्म जोठी जेते व्याहत निरापत्ता संकित ये नाममयता ध्यानशीलता जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थयनी सदाचार से बर्म ए बर्म जोठी जेते दृढ़ मनीषर सत्ता से सुरक्षित बर्मटा जोठी जेते शिथिल मनीषर निरापत्ता से संकित एवं ठाकुर कहउछंती निज जीवन और दुखर कथा प्रिय परम कहउछंती कहले साधना तांकर पूजनीय साधना देवी ठाकुर ज्येष्ठा कन्या कहले से संतान और जननी हेला मो घर को आसीथिला स्वास्थ्य बेस भलो थिला आ मु कहली से 6 वर्ष खंडे मो पाखरे रहू आ बड़मा मो कथा बड़ बहु मो कथा सुनिले अन्य मानस प्रतिवाद कले नासिका कुंचन कले शाशुघर लोक कहले कौन विवाह करछि 6 मास बाप घर रे 6 वर्ष बाप घर रहइबो कहले ताकु से माने नै गले एवं ता पर से असुस्थ होई पड़िला ताकु आउ बंचै हेला नै प्रिय परम इंगित दियंती एकमात्र भक्त तांकर इंगित को बुझे तांकर अनुगत एवं ठाकुर चाहिछंती जे हम इष्टंकर प्रति अच्युत अनुवर्तित नै चलिबा आ मानंकर जीवन सुरक्षित हबो ठाकुर सेई सुरक्षार विधान टाकु देइछंती जीवन चाहे थाकते किंतु चाहिनि केउ निके सते उद्वर्धनार अनुतपाय चाही सबाई वृद्धि पेते केहि मृत्यु चाहे ना केहि दुख जंत्रणा चाहे ना समते उद्वर्धन चाहती उत्तरण चाहती स्वास्थ्य चाहती सबु दिगरु परिपूर्ण बाबू चाहती ठाकुर चाहती आमर जीवन को सबु दिगरु परिपूर्ण करिबा पाई पूर्णतार मूर्त प्रतीक से किसी अपूर्ण देखिले किसी अविकसित देखिले किसी जीवन रे व्यत्यय देखिले ठाकुर प्राण रे व्यथा लगे तेणु आम जो मैंने प्रिय परम को धरीचे प्रति अस्खलित आनुगत्य नहीं चलिबा ए अस्खलित आनुगत्य हूँ मनीषर रक्षा कवच लेट दाइ अनटटरिंग अधेरेंस टू द सुपीरियर बिलवर्ड बी दाइ थंडर वैंड प्रति अच्युत आनुगत्य तोर वज्र जष्टि हो दरकारी आनुगत्य सामान्य शिथिलता प्रकाश न पाए यही शिथिलता जीवन रु विपर जाने जजन जाजन इष्टभित के निष्ठा करुच्ची देखा जाए से केते सुस्त अच्छी केते संदीप्त अच्छी जजन जाजन इष्टभित मीटर एथिरे अवहेला हेले मनीष सत्ताघाती हुए तार सत्ता विपन्न हुए तेनाली जो मैंने प्रिय परम को धरीचे ये विषय खुब सजाग हवा खुब सतर्क बा ठाकुर चाहती प्रति निष्ठा नहीं चलिबा जीवन रे फास्ट एंड फोर मोस्ट कर रखा ठाकुर सुंदर बाणी रे कहउछंती बी दाई लॉयल टू दाई लवलर विथ लविंग इनक्विजिटिवनेस इग्नोर नॉट टू मटेरियलाइज हिज कमांड और एडवाइस
Thus make him first and foremost in thy life. Adjust thyself as he desires. Imbibe him accordingly. This the foremost step in thy progressive life. Be thou ever loyal to thy love, Lord, with loving inquisitiveness. Premapurna anusandhichanai se priya paramanka mukhaku chahithao. Tanka prati anugatya rakha. Tankara निर्देश को परिपालन कर तांकर कमांड तांकर एडवाइस ताहि तुम जीवन को सुरक्षित करिवो ताकु निष्ठा रे परिपालन कर केबे सेथिरे अवहेला कर नाही से जे भली चांती निज को सेही भली नियंत्रित कर तांकु आप्तिकृत कर तांकु आत्मिकृत कर तांकु तुम भितरे जागृत कर एवं एही भली भावरे तुमे प्रोग्रेसिव लाइफ रे अधिकारी हबो विवर्तनमुखी जीवन पथरे चालिबो ठाकुर ताहि चाहि छंती आमे सब विवर्तन दिगरे गति करबा ले मु ना भोगी ना त्यागी मु विवर्तनी ठाकुर कहले मु भोगी नुहे कि त्यागी नुहे भोग कि त्याग किसी प्रिय परम को प्रलब्ध करे ना ठाकुर जीवन लक्ष्य त्याग नुहे कि भोग नुहे जीवन लक्ष्य से प्रिय परम जे तृप्त करवा शिशि बड़मा आजीवन ताही प्रिय परम को तृप्त करा चेष्टा कर नंदित करा चेष्टा कर पथरे सामान्य बाधा न आसु विघ्न न आसु प्रिय परम दुखित न हूं ये बड़मा निरंतर अनुसंधिच्छा स्कूल कलेज रिछ डिग्री डिप्लोमा ना किंतु बड़मा दैवी प्रज्ञार अधिकारी थिले गीता श्रीमद भगवद गीता कहउछंती एक भक्तिर विशिष्यते तांक प्रति भक्ति श्रद्धा रे मनीष उत्कर्ष अर्जन करे अपरिसीम प्रज्ञार अधिकारी हुए तांकु संतुष्ट करिबाकु जाई तांक प्रतिष्ठा करिया को जाई केते अनुभूति केते विभूति मनीष जीवन रे आसे बड़मा थिले सेई दैवी प्रज्ञार अधिकारिणी एकमात्र प्रिय परमंकु भल पाइकिरी से थिले समस्त विद्यार मूर्त प्रतीक से थिले सही गायत्री वर्णित से तेज समन्विता मा गायत्री एवं बड़मा आजीवन से ठाकुर को ही इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा तिले मात्र विच्युत हो नाती से आज जगज्जननी शिशि बर्दा कहते केते जन्मर तपस्या केतार पत्नी केते जन्मर तपस्या केतार पुत्र केतार कन्या केतार संतान संतति तार सरिक नुहत कई तार समकक्ष नुहंती जो मुहूर्त अहंकार करी ज्ञानी हो गली मु बहु तपस्या कली मोर जीवन रहु प्राप्ति मु प्रिय परम को प्रतिष्ठा करतन आरंभ कई प्रतिष्ठा करे ना पूजा विनायक दा कहती तुम्हें प्रतिष्ठा पछे न कर अप्रतिष्ठा करना प्रतिष्ठा करार भितर दी आम प्रतिष्ठित हौ से तो नित्य प्रतिष्ठित आउ शिशि ठाकुर से चाहते आम तन्मुखी हवा तत्त्व हवा तल्लीन हवा ताले जीवन राव भय रही ना संत कबीर कहते सिर पर गुरु को रेखे चली साज्ञा माय कबीर कह तार दास को तीन लोके भय ना जे गुरु को धरी शिर उपर चली तार त्रिलोक किसी भय ना जो माँ मैंने सुपरिवार राजि जन्मदिन सतान सस्तक पिला मानी इष्ट प्राण कर इष्ट प्राण रक्षा कवच हव बर्म जो जिते दृढ़ निरापत्ता से सुरक्षित बर्म हूँ नाममयता आनशीलता से पाठ पढ़ु कृति हुंतु बड़ चाकरी करंतु व्यवसाय करंतु नेता हुंतु किंतु जीवन रे केबे भी इष्ट को भूलंतु नाही अर्थ ऐश्वर्य थक ना जत जदि हो तुमे इष्ट हरा रावण दुर्योधन रे मत सबाई के लिए जाबे मारा अर्थ ऐश्वर्य थाई पारे इष्ट हरा जीवन बहुत भयंकर रावण जीवन रे दुर्योधन पाखरे नेपोलियन पाखरे बहु प्रतिभा थिला ठाकुर नेपोलियन को बहु प्रशंसा करिसंती किंतु नथिला से जीवन रे इष्ट से प्रिय परम सेंट एल्बा द्वीप रे अति एकुटिया भाव रे निसंग जीवन जापन कले नेपोलियन एवं से निश्वास त्याग कले बहु प्राप्ति सत्वे जीवन रे प्राप्ति आसे जदि मनीष जीवन रे इष्ट न थांती से ठाकुर इष्टहीन जीवन देखिले मोर हावेली बाण रो कथा मने पड़े ए हावेली बाण ता आखि झलसा आलोक रे आमकु झलसै दिए तार परिसमाप्त हुए निरंतर अंधकार भितरे जो माने इष्ट को धरी चली चंती से मानको जीवन रे दुख जंत्रणा आसे से माने सब शुक्ल प्रतिपदार जन्म से माने दिने पूर्णिमार पूर्ण चंद्र रे परिणत हेबे आमे जो माने प्रिय परम को धरीचे एई कथा को जत्नर सहित मन रखिबा नाम ध्यान साधन भजन करिबा नित्य जाजी हबा तांको नाम प्रेमर वार्ता टाकु चारियाडे पहुंचाई दबा आज चतुर्पार्श्व कोरोना भय मृत्युर चली तांडव नृत्य विभत्स नृत्य ओडिसा रे प्रतिदिन
गत किसी दिन हजार अधिक लोक आक्रांत होती सारा पृथ्वी रे लक्ष लक्ष मूल्यवान जीवन सब नष्ट हो गला। ठाकुर गोटाए अकाल मृत्यु को पसंद कर ठाकुर प्राण से बहुत दुख दे ठाकुर बहुत दिन तले कहते पाखे बस्तिया भक्त मैंने सिमुखर कथा शुणुते विहलित होते उत्फुल्लित होते उदीप्त होते ठाकुर गंभीर हो गले अधिक मो पाखे बस खाली मोर कथा शुणी आनंदित हो से मोर तृप्ति ना तुम जाओ घरे घरे हृदय हृदय प्राणे प्राणे यही नाम वार्ता को पहुंचे दियो लोक इष्टि चलन उद्बुद्ध कर नमती समय आसुची जार भयावह तुम कल्पना कर पार ना यही दुई दुटा विश्व युद्ध पर आई समय आसुची किए जाने जदि मनीष इष्टि न चले हुए तो पृथ्वीर दुई तृतीयांश लोक मृत्यु हव तुमको शब उपर चलने को पड़ब शब सत्कार जगह नेणु बेल सवधान से दिन ठाकुर गंभीर भाव में कहते मई सर्वाणी कर्माणी सन्यास्यात्म चतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्ध स्विगत ज्वर निराशी निर्मम हई विगत ज्वर हई प्रवृत्ति ऊर्धरे उठी तुम्हें से प्रिय परम प्रतिष्ठा कर एवं प्रतिष्ठार भितर दे सपरिवार सपरिवेश आम सुख शांति आनंद रहा सब कथार सेरा कथा इष्टि तपा जीवन कर भक्ति प्रणाम मनन्ये ऊर्जित पा जजंधर बंदे पुरुषोत्तम जय गुरु जय गुरु। भाषा ही नहीं कि भाव रे सारंकर जो कथा तारा